प्राकृतिक चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में ध्यान जाता ही नहीं, कोई बोले तो भी ध्यान नहीं देते, तो शरीर धीरे 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 सड़ जाता है भीतर से। बाहर से चाहे जितना भी लिपा पोती कर ले, पाउडर वगैरह लगा ले, कुछ भी कर ले, मगर अंदर से सड़ा हुआ रहता है। ये जो 8 दिन तक पूरा फुल डाइट में था, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत डिलीशियस फूड मिल जाता था। गाइस आखिरी दिन वहाँ पे बहुत मज़ा आया, एक फंक्शन भी करा गया था वहाँ पर। जो ट्रीटमेंट लिए थे सभी का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर कर रहे थे वहाँ पे, एंड उसके बाद एक डिलीशियस फूड का भी आइटम करा गया था। मैं जा रहा हूँ नई हटी, टुडे इज 11th December, एंड वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एंड वहाँ पर गंगा रिवर है, वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा घूमूंगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक क्रॉस है, यहाँ पर एक क्रॉस है, मिडिल में आप बैठ सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए ये किया गया है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नोहाटी पे, एंड यहाँ पर जो बड़ो माँ का मंदिर है, काली मंदिर है, वहाँ पर मैं पुष्पांजलि देकर थोड़ा सा नदी किनारे घूमने गया था। ये एक्चुअली गंगा रिवर है, द सीन इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस रात हो चुका है, एंड मैं हो गया हूँ बहुत टायर्ड। अभी मैं खड़गपुर जस्ट अराइव कर रहा हूँ, तो जाकर ही तुरंत कुछ खा के लेट जाऊँगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। आपने चार चांद लगा दिया। सवा मिट्टी पानी धूप आकाश हवा सब लोगों की है कवा। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। Krishna Dabodharam Krishna Dabodharam Krishna Dabodharam
करेंगे सबका स्वागत। बहुत असाधारण बात है ना। हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है कि आंखें बंद कर ले और कलर आंखें बंद करके कलर आइडेंटिफाई करें। तो इस अवार्ड का नाम है द पक-पक मशीन अवार्ड और ये जाता है सपना महाराणा को। Thank you.
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। और इन लोग का आदत है कि बीच में गजल भी सुनाते हैं और उसका मीनिंग बताते हैं वर्ड का, और कभी कभी इतना इजी वर्ड का मीनिंग बता देते हैं कि पब्लिक भड़क जाती है उसमें। तो बोलता है ये दौलत भी ले लो, दौलत मतलब दौलत मीन्स प्रॉपर्टी। फिर वो आदमी खड़ा हुआ बोला नहीं, दौलत मतलब समोसा। ये सीधा सीधा कहा ना यार, क्या दूर 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 सुना रहे हम लोग को। जिंदगी यहाँ दोबारा जिया है, प्रकृति से रूबरू कराती कैसी बैठी, जिंदगी जीने की राह बताती कैसी बैठी। तो ये सब मजेदार प्रोग्राम खत्म होने के बाद एंड होता है हमारा पिकनिक एंड हम चले जाते हैं अपना अपना घर। इट इज़ 22 दिसंबर एंड मैं अभी जा रहा हूँ कोलकाता दोबारा, क्योंकि कॉलेज का कुछ काम है एंड उसके बाद घूमने जाऊँगा विक्टोरिया। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. So guys, मैं अभी हूँ विक्टोरिया में एंड आप यहाँ का सीन देख ही सकते हो। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. सो गाइस, मैं वापस जा रहा हूँ घर एंड 25th को सर के यहाँ तुलसी पूजन है तो वहाँ पर भी जाऊँगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनम् नेत्रमोक्षे मां स्वाहा। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papi. Ready to explore right up in the sky. It is 30th December and आज सर के घर में लिट्टी पार्टी हो रहा है। लिट्टी की प्रचलन एक्चुअली बिहार में ज़्यादा है। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है एंड
कोलकाता में भी कुछ कुछ जगह मिल जाता है। इट इज़ 31st December एंड कल पापा का बर्थडे है, इसीलिए ये केक रेडी हो रहा है घर में ही। मम्मी और मैं मिलकर रेडी कर रहा हूँ, तो कल सेलिब्रेशन होगा। फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोग वीडियो को बहुत एंजॉय करे हो एंड 2020 बहुत लोगों के लिए सही नहीं था, बहुत पैंडेमिक सिचुएशन था कोविड के लिए। ये प्रार्थना करता हूँ कि 2021 में सभी हैप्पी एंड स्वस्थ रहे। अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit the like button and do subscribe below and hit the bell icon for more regular update of my vlog. Thanks for watching. Jai Hind.